बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 6 और उसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है बेटा, लास्ट वाली आधा मश्क जो होती है उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, उसमें बेटा ये दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और कहते हैं आपने इनका HCF हाई कॉमन फैक्टर यानी कि आधे आज़म मालूम करना है, लेकिन किस तरीके से करना है, बजरिया तकसीम, तकसीम के तरीके से डिवीजन मेथड को इस्तेमाल करके आपने इसका बेटा HCF जो है वो मालूम करना है। तो उसके लिए बेटा ये जो सेकंड वाली वैल्यू है इसको हम लिखेंगे y की पावर 3 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 24 और इसको डिवाइड कर देंगे। किस पे डिवाइड करेंगे बेटा, ये फर्स्ट वाली वैल्यू वो है y की पावर 3 प्लस 3y का स्क्वायर माइनस 3y और माइनस 9। अब बेटा आपने यहाँ पे उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है जिससे ये पहली रकम y की पावर 3 इसके इक्वल आए, तो ये बेटा आप 1 से करोगे। जब इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाएंगी, ये y की पावर 3 फिर प्लस 3y का स्क्वायर फिर माइनस ये वाला जो है 3y और उसके बाद बेटा ये माइनस का 9 इनको लिखा। अब बेटा होता ये है कि आपके पास जो नीचे वाली वैल्यू है इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगी और ये भी प्लस, तो ये y की पावर 3 प्लस और माइनस कट गए, 3y का स्क्वायर ये प्लस और ये नीचे माइनस कट गए। अब बेटा माइनस 8y में प्लस 3y करेंगे तो माइनस का 5y आ जाएगा। उसके बाद माइनस 24 में प्लस कितने करेंगे बेटा, 9, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा। अब ये जो आंसर आ गया बेटा, इसमें y की पावर कितनी है, 1 है और इधर कितनी है, 3, इसका मतलब अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, जब छोटी पावर हो जाए तो डिवाइड नहीं होता। अब इनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, माइनस 5 कॉमन आ रहा है। अगर हम माइनस 5 कॉमन ले लें इन दोनों में से, इधर से माइनस 5 जाएगा तो y, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, 15 में से 5 कॉमन लें तो 3, क्योंकि 5 को 3 से करें तो 15 बनता है। अब ये जो वैल्यू आई है बेटा आपके पास, इसमें जो कॉमन आया है उसको आपने इग्नोर कर देना है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन को हम इग्नोर कर देते हैं। ये जो वैल्यू है बेटा इसको आपने क्या करना है, अब इसको अंदर रखना है ये वाली वैल्यू और इस पर डिवाइड करना है। ये वैल्यू क्या है बेटा, y की पावर 3 उसके बाद प्लस 3y का स्क्वायर उसके बाद माइनस 3y और माइनस 9, उस वैल्यू को बेटा लिखा और इस पर डिवाइड करना है। अब यहाँ पे आपने y वो वैल्यू लिखनी है जिसको y से मल्टीप्लाई करें तो y की पावर 3 बने, तो यहाँ पे बेटा y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो y का स्क्वायर है बेटा, जब ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर 3 आ गई, फिर y स्क्वायर को 3y से करेंगे तो ये बेटा प्लस 3y का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे साइन जो है वो चेंज करने हैं, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो नीचे क्या आ गया, माइनस 3y और माइनस का 9। अब बेटा देखें ये जो y है इसकी पावर 1 है और इधर वाला जो बाहर है उसकी पावर भी कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बेटा पावर अभी छोटी नहीं हुई, ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है। तो अब इसके साथ बेटा यहाँ पे वो वैल्यू लिख रही है जिसको इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3y आए, तो वो माइनस 3 लिख लेंगे। जब माइनस 3 को y से करेंगे तो माइनस 3y और उसके बाद माइनस 3 को प्लस 3 से करेंगे तो माइनस का 9। अब बेटा नीचे वाले साइन चेंज करेंगे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस 3y प्लस 3y कट गया, माइनस 9 प्लस 9 कट गया 0, तो ये बेटा डिवाइड हो गया, ये आपका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे ये जो बेटा जिसने पूरा पूरा डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या है, ये बेटा आपका HCF का आंसर है। HCF जो है वो आपका क्या आ गया, y प्लस 3 और इस HCF को हम यानी हाई कॉमन फैक्टर, उर्दू में हम बेटा इसको क्या कहते हैं, आधे आज़म कहते हैं बेटा। ये आपका आधे आज़म कितना आ गया, y प्लस 3 आ गया। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था रिव्यू एक्सरसाइज का, चैप्टर नंबर 6 9th क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इसमें कोई चीज़ समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। इनके नोट्स चाहिए अगर आपको PDF फाइल में, तो उसका लिंक नीचे बेटा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।